अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके लिए मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो है चिकन क्रंच। बहुत आसान घर में इसको बनाने का तरीका। इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए चिकन टिक्का एक पैकेट, कॉर्नफ्लोर, दही 4 चम्मच और चिकन मैंने लिया है 2 किलो और अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले दही में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और चिकन टिक्का मसाले का एक पूरा पैकेट हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच काली मिर्चें और 2 अदद लीमू का रस ये शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाए तो इसमें फिर 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक जब आप बाद में शामिल करेंगे तो एक अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब चिकन के पीसेस पे आपने छोटे छोटे से छुरी से टक लगा लेने हैं, ठीक है, ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे से हो और मसाला जो है मैरिनेशन का वो अंदर तक चला जाए। आपको वो टक नज़र भी आ रहे हैं। अब मैरिनेशन का सारा इस पर मसाला इस पर डाल देंगे और इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मैरिनेशन आपको देखने में कम लग रही थी लेकिन ये बिल्कुल भी कम नहीं थी। चिकन को मैरिनेट करने के बाद 2 घंटे फ्रीज करेंगे, ठीक है। फिर 2 घंटे फ्रीज करने के बाद इसे सबसे पहले कॉर्नफ्लोर और मैदा और उसमें 1 चम्मच नमक का शामिल किया। फिर एक दफ़ा पीस को उसमें डिप करने के बाद ठंडे पानी में भी डिप करेंगे, ठीक है। ठंडे पानी में डिप करने के बाद फिर दोबारा उसे मैरिनेट करेंगे कॉर्नफ्लोर, मैदे और नमक के पेस्ट में। फिर तेल को गर्म करके फुल फ्लेम पे हम तेल को गर्म करेंगे और उसमें पीसेस अपने डाल देंगे। पहले आपने इसे फुल फ्लेम पे ही पकाना है तकरीबन 5 मिनट तक, लेकिन जब 5 मिनट हो जाए तो उसके बाद आप इसकी आँच जो है वो हल्की कर दें, क्योंकि जितना ये हल्की आंच पे बने ये उतना ही अच्छा है। चिकन अंदर से पकना नहीं चाहिए, सिर्फ बाहर से नहीं पकना चाहिए, चिकन अंदर से भी पकना चाहिए। आप अगर इसे फुल फ्लेम पे बनाते रहेंगे तो ये बिल्कुल बाहर से तो चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये पक गया है। बीस से 25 मिनट आपको एक पूर को देना है। मैंने इसमें ऑयल जो है वो बाहर का नहीं बल्कि सरसों का ऑयल डाला है इसमें, सरसों का तेल, क्योंकि सेहत के लिए अच्छा है। आप कोई भी चीज़ घर में फ्राई करें वो सरसों के तेल में फ्राई करें। कोई आप जो कुछ भी पकोड़े बनाएं वो भी और कोई ऐसी चीज़, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा है, ये इतना हार्मफुल नहीं है। बाकी ऑयल जो है हम बाज़ार से लेते हैं वो अगर आपके पास मक्खन है आप उसमें भी फ्राई कर सकते हैं, आपके पास देसी घी आप उसमें भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन देसी घी जो है वो इतना मिला नहीं है किसी की पहुंच में है, तो आप बहुत बेहतर है कि बाज़ार के घी से सरसों का तेल इस्तेमाल करें। बीस से 25 मिनट आप इसे फ्राई करें हल्की आंच पे, बिल्कुल इसको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। इसका कलर जो है वो अच्छा आना चाहिए। चिकन अंदर से तो अंदर से पक चिकन जल्दी ही जाता है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे फिर भी यकीन नहीं आता ये पक भी जाए। तो इसको जितना मैं हिला रही हूँ आपको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रख के बैठ भी सकते हैं। रेडी है, अब इसे डिश आउट कर रहे हैं। इसका कलर देखें कितना अच्छा है, ये सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से भी अच्छा बना था। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी।